आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और वेतन बढ़ाने समेत अपनी अलग अलग मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज प्रदर्शन करते हुए फतेहाबाद में लघु सचिवालय का घेराव किया और लघु सचिवालय के सामने ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी प्रदर्शन के दौरान गेट पर आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के जिला प्रधान सावित्री देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मौके पर मौजूद आंगनवाड़ी वर्कर में काफी गुस्सा पनप गया। इस दौरान सरकार की गैर जिम्मेदार नीति के खिलाफ विरोध जताते हुए आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के नेता सुदेश कुमारी ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर की मांगों पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। सुदेश कुमारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में यदि किसी तरह की कानूनी अड़चन सरकार के समक्ष है तो वो कम से कम आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन का प्रावधान लागू करे और बाकी की जरूरी मांगों पर आंगनवाड़ी वर्कर से बातचीत करे। यूनियन नेता ने कहा कि सरकार लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर भी अपनी मांगे पूरी न होने तक पीछे हटने वाली नहीं है। साथ ही आंगनवाड़ी वर्करों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार यदि यही रवैया अपनाई रखती है तो 5 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर सीएमसीटी करनाल का घेराव करेंगे। इसके अलावा कल यानी 28 फरवरी को आंगनवाड़ी वर्कर्स भीख मांगकर अपना विरोध जताएंगी और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, होली के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया जाएगा। मांगे तो सबसे पहले है कि हमें थर्ड और फोर्थ ग्रेड का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हम ऑप्शन के रूप में सरकार को ये दूसरा ऑप्शन भी देते हैं कि जब तक अगर कोई कानूनी पेच है तो तब तक हमें न्यूनतम वेतन 18,000 हमें दिया जाए। आज हमने यहाँ पे सचिवालय का घेराव किया है जो कि पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में जिले का घेराव किया जाएगा, सचिवालयों का घेराव किया जाएगा और इसी के तहत कल हमारे जो है आगे की जो रणनीति है, कल हम सरकार के लिए भीख मांगेंगे। नहीं, आज तो हमारा सिर्फ ये जो 1.5 घंटे का है सचिवालय को घेरने का, बस यही हमारा शांतिपूर्वक तरीके से हम घेराव करेंगे। तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? हाँ जी, अभी तक कोई आया अधिकारी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। आज हमारा धरना 9वें दिन में प्रवेश कर गया है और ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा नारा देने वाली सरकार है, इन बेटियों का जो 50,000 से ज़्यादा जो सड़कों पे उतर रही हैं, इनकी आवाज़ के कोई कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, तो ये बड़े श्रम की बात है। का दहन करेंगे, मोदी सरकार का पुतला फूकेंगे 1 तारीख को और 2 तारीख को हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आने वाले 5 मार्च को करनाल को घेरेंगे और 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को, आंगनवाड़ी वर्कर को, हेल्पर को हम सड़कों पर उतारेंगे और करनाल सीएम के आवास को घेरेंगे। और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।